शेर पढ़ने के लिए तरन्नुम की जरूरत नहीं है। तरन्नुम से अगर कोई शेर पढ़ता है तो इजाफी हुस्न है। ये दरअसल सामयिक के तफन्नुन तबा के लिए है। आपकी बातें तो तरन्नुम से पढ़ता है ताकि आपको बात अच्छी लगे, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो नस्ल नहीं बोलता, वो नस्ल पढ़ता है, वो रोता है। हजरत कभी कभी इस तरह के तजुर्बे होते हैं, कोई ताजुब की बात नहीं है कि उन्होंने बहुत ऊंची पिच में बात उठा दी और आप लोगों ने दाद भी उसी तरह से दी उनको। पहले इसमें वो जोश में आ गए तो वो सुर पर कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन ये कोई ताजुब की और हैरत की बात नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई है सर, तवज्जो फरमाइए। मैं आप लोग मेरे साथ शामिल रहे तो मुशायरा चलेगा, तो और मुश्किल हो जाएगी। आप लोग ये मुशायरा और है, मेरे वालिद बुजुर्गान एक मरतबा एक महफिल में तरन्नुम से सुनाते थे, वो भी सूची हो गए। मैं निजामा फरमा रहा था और तो मैंने कहा कि आप तरन्नुम छोड़ दीजिए, चाहे भी पढ़िए। तो उन्होंने कहा चुप है, घोड़े पर से नीचे उतारे जैसा होता। हजरत मोहतरम, अभी तक आपने सुना आली जनाब एजाज पाटिल को, मैं जर्रे हबीब वो खुर्शीदे सौफिशा। सुनिए एक ब्राह्मण ज्यादा बारगाह रिसालत में नात के शेर कह रहा है। सुनिए ना दोस्तों, ये गुलाम अगर नात के शेर कहता है तो कौन ताज्जुब की बात है। गुलाम अपने आका की तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। मगर मेरे रसूल की पढ़ाई ये है कि उनको न मानने वाला भी ऐसे शेर कह रहा है जो एक मानने वाला नहीं कह सकता। मैं जर्रे हबीब वो खुर्शीदे सौफिशा, मैं कतरे सगीर वो दरियाए बेकरार। मैं जर्रे हबीब वो खुर्शीदे सौफिशा, मैं कतरे सगीर वो दरियाए बेकरार। मैं बेनवा फकीर वो सुल्ताने दो जहां, नाते रसूल मेरा इस वक्त मन कर रहा है कि मैं उसे दावत कलाम दूँ, जो सहाफत के शोबे से भी वाबस्ता है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ये बेलगाम से तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद है शरीफ अहमद शरीफ को, मैं इस वक्त उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ, वो तशरीफ लाए।